हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के, के एग्ज़ाम में हंड्रेड परसेंटेज यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बीस नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे कराएंगे जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सत्तर नंबर प्राप्त कर सकें तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे पहला सवाल है किरानी केतली की कहानी के लेखक हैं फ्रेंड्स इसमें इसका ऑप्शन है इंशाला खां सदल मिस्र लल्लू लाल दौलतरा फ्रेंड्स जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आ रहा हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा इंसा अल्लाह खां देखिए फ्रेंड्स जो रानी केत केतली की कहानी है इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स पूस की रात जो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है जिसका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुंशी प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा तो फ्रेंड्स पूस की रात की कहानी के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, है फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका अगला प्रश्न क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है जिसका ऑप्शन आत्मकथा है कहानी है नाटक है या एकांकी है तो क्या भूलूं क्या याद करूँ फ्रेंड्स एक आत्मकथा है तो इसका सही जवाब होगा ए आत्मकथा आपका अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ठीक है कौन सा प्रश्न है गीतावली की कवि का नाम है तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा गीतावली के कवि का नाम क्या है तुलसीदास तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स आप बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा यहाँ से हंड्रेड परसेंटेज अधिक से अधिक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे क्या है कि दीप शिखा के रचयिता के नाम क्या है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है केशव दास डॉक्टर राम कुमार वर्मा महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंत तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा दीप शिखा के रचयिता कौन है महादेवी वर्मा आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस रस को रसराज कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न लिए हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो किस रस को रसराज कहा जाता है इसका ऑप्शन हास्य रस श्रृंगार वीर शांत तो इसका सही जवाब होगा श्रृंगार रस श्रृंगार रस को हम रसराज के नाम से भी जानते हैं आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स करुण रस का स्थाई भाव क्या है यानी करुण रस का अस्थायी भाव क्या है फ्रेंड्स उस ऑप्शन है उत्साह रति शोक हास्य इसका सही जवाब होगा शोक यानी करुण मतलब देखिए दुख होता है तो करुण रस का क्या होगा स्थायी शोक होता है ठीक है आपका अगला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जिसका ऑप्शन है आभूषण आकर्षण सौंदर्य या प्रकृति तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है आपका अलंकार हो। अरे सॉरी दोस्तों आभूषण होता है इसका सही जवाब होगा आभूषण चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है छंद को पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या कहते हैं देखिए उसको गति कहते हैं या यति कहते हैं या तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बताएं कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा यति आपका अगला सवाल है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बोर्ड के एग्जाम में आपके उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता है इसमें पूछा है कि उत्कर्ष शब्द से उपसर्ग है उसका ऑप्शन है उत है देखिए यहाँ पे उत है या उतक है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा त है यहाँ पर आधा त है यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा तह है और उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द जुड़ा होता है वो क्या होता है उपसर्ग होता है यहाँ प्रारंभ में क्या जुड़ा है उत्कर्ष यानी उत्कर्ष यहाँ पे इसका सही जवाब होगा उत्कर्ष यानी कि इसका सही जवाब उत्त होगा ठीक है आपका अगला सवाल है संस्नाहट में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है कि जो अंत में शब्द के अंत में जुड़ा होता है वो प्रत्येक आता है देखिए इसको अलग विग्रह करेंगे तो कैसे होगा सन यानी सन आहट ठीक है तो इसका सही जवाब होगा आहट तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आहट आपका अगला सवाल है यथासंभव में कौन सा समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि यथास्भव में कौन सा समास है जिसका ऑप्शन अभिभाव है कर्मधारय है तत्पुरुष है या दुग्य है तो फ्रेंड्स जो यथा संभव है इसमें आपका जो समास है आपका अभिभाव समास होता है तो इसका सही जवाब होगा अभिभाव समास आपका अगला सवाल है त्रिभुवन में कौन सा समास है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ त्रिभुवन है इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है ये तो देखिए आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास है कर्मधारय है दिग है या तत्पुरुष है तो फ्रेंड्स जो त्रिभुवन है इसका अर्थ तो मतलब विग्रह करेंगे त्रिभुवन का तीन भवनों का समूह होगा और जो समूह को दिखाता है उसे क्या बोलते हैं दिग समास कहते हैं इसका सही जवाब होगा द्व्युग समास यानी त्रिभुवन में याद रखिएगा कि कौन सा समास है द्व्युग समास है आपका अगला सवाल है कि आभूषण का पारवाची है देखिए फ्रेंड्स आभूषण का पारवाची क्या होगा अभिमान है अलंकार है संपदा है या वायस है तो आप का पारिवाची क्या है फ्रेंड्स अलंकार है तो इसका सही जवाब होगा अलंकार आपका अगला सवाल है गंगा का पारिवाची है यानी गंगा का पारिवाची क्या है इसका ऑप्शन है मंदाकिनी है भागीरथी है देव नदी है या ये सभी देखिए फ्रेंड्स गंगा का जो पारिवाची होता है उसमें आ जाएगा आपका मंदाकिनी भागीरथी और देव नदी यानी गंगा का जो पारेवाची है तीनों है मंदाकिनी भागीरथी देव नदी तो इसका सही जवाब होगा डी आपका अगला सवाल है कि इत्यादि का संधि विच्छेद है यानी इत्यादि में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा ठीक है इति धन आदि ठीक है और ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है इति धन आदि देखिए देखेंगे तो इति प्लस आदि इसका सही जवाब होगा ए इत्यादि का जो संधि छे, विच्छेद विच्छेद है इति धन आदि है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है नदी शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होगा देखिए नदी का पंचमी विभक्ति का एक वचन कौन सा होगा देखिए नद्दा या नद्दा या नद्दो या नदी इसका सही जवाब होगा नद्दा होगा पंचमी व्यक्ति नदी का पंचमी व्यक्ति कौन सा होगा नद्दा होगा ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है पट धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है इसका ऑप्शन है पठत होगा पठंतु होगा पठाम होगा या पठती होगा फ्रेंस जो पठ हुआ नदी हुआ इसका लोट लकार लंग लकार ये सब आप याद रखिएगा ठीक है ये ऑब्जेक्टिव में देखिएगा हंड्रेड परसेंटेज सवाल आएगा ठीक है देखिए पट धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष कौन सा है पठत है ठीक है इसका सही जवाब होगा पठत आपका अगला सवाल है कि तदैव में कौन सी संधि है तदैव में कौन सी संधि देखिए तदैव आ जाएगा सदैव आ जाएगा तो इसमें पूछता है कौन सी संधि है तो इसमें देखिए यड़ संधि होगा दीर्घ संधि होगा वृद्धि संधि होगा या गुण संधि होगा तदैव में जो संधि होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका वृद्धि संधि होता है आपका अगला सवाल है कि अंधकार का पार्यवाची है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स की पार्यवाची बहुत पूछता है अंधकार का पार्यवाची कौन सा है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है तिमिर होगा अनादार होगा मंदाकिनी होगा या आशीष होगा तो फ्रेंड्स इसमें से इसका सही जवाब होगा तिमिर अंधकार का कौन सा पारिवाची होगा तिमिर यानी तिमिर माने भी अंधकार होता है इसका हो तो इसका पारिवाची हो जाएगा तिमिर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बीस बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के कंप्लीट हुए फ्रेंड्स इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें